कहीं दल बदल की राजनीति है तो कहीं पारिवारिक राजनीति है। कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो किसी की टिकट कट गई। जी हाँ, और अब ठीक वैसा ही उत्तराखंड से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी मौसम से पहले हर चीज को, हर राजनीति को चुनाव के माध्यम से ही देखा जाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनावों को लेकर जो बात सामने आई है उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार होंगे। यानी कि साफ है कि किस तरह से उत्तराखंड जो है वो चुनावी दौर में आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता। अक्षय कुमार की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और ठीक पहले उनको ब्रांड एम्बेसडर चुन लेना ये नहीं दर्शाता कि क्या उत्तराखंड में चुनावी पारा जो है वो बढ़ने लगा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनाव तो तेज होते जा रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन भाजपा का ये दांव अक्षय कुमार को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ब्रांड एम्बेसडर बना देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हो ना हो भाजपा अक्षय कुमार के नाम पर राजनीति कर रही है। हालांकि भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम शुमार नहीं किया है, लेकिन अक्षय कुमार की हामी भर देना कि वो ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के लिए रहेंगे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अक्षय कुमार भी भाजपा के कामों से खुश हैं, और अक्षय कुमार के फैंस भी ये चाहते होंगे कि अक्षय कुमार का ये निर्णय जो है वो सही हो। खैर, आपकी क्या राय है कि क्या अक्षय कुमार को सच में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर उनके अच्छे कामों के लिए बनाया गया है, या फिर उत्तराखंड में चुनावी सियासत को तेज करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? खैर, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है। अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन दुनिया से जुड़ी हर ताजा तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।